नमस्कार, मैं हरनीश सिंह गुलाटी आज फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर एक बहुत ही अच्छे लेसन के साथ। एक और अलंकार, अलंकार नंबर 19। बहुत अच्छा प्रयास भी कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, बड़ा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, बच्चों के फोन भी आ रहे हैं, बहुत लोग फोन कर रहे हैं। तो आप एक चीज जरूर समझें कि कोई भी अलंकार, चाहे वो छोटा है या बड़ा है, वो हर अपनी जगह पर एक अहमियत रखता है। कोई भी अलंकार किसी से कम नहीं है, ज्यादा नहीं है। जिस प्रकार कोई भी राग छोटा बड़ा नहीं होता, राग राग होता है, सबका समान दर्जा होता है और सभी अपनी जगह पर एक समान अधिकार रखते हैं। तो आप ये चीज समझिए कि ये अलंकार देखिए कितना छोटा लग रहा है देखने में, कि ये तो बच्चे बजाते हैं, छोटे छोटे बच्चे बजाएंगे इसको, सा सा रे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा सा नी नी धा धा, ये अवरोह हो गए इसकी, पापा मामा गागा रे रे सासा। तो ये छोटे बच्चे बजाएंगे, ये हम क्यों बजाएंगे, ये बड़े आर्टिस्ट क्यों बजाएंगे। लेकिन ये ही छोटा सा अलंकार गले के अंदर बहुत अच्छी तैयारी करा देता है, हाथ के अंदर बहुत अच्छा जर्ब पैदा कर देता है। जब आप इसको हारमोनियम पे बजाएंगे, ये ही सिंपल अलंकार जो है, ये चौगुन अठगुन में हारमोनियम पे जल्दी से नहीं बजने का, क्योंकि इसके लिए बहुत तैयारी बहुत अभ्यास चाहिए और इसीलिए ये फास्ट गाया भी नहीं जाने का। जो लोग इसका आकार में अभ्यास करते हैं तो गले की ताने तैयार होती हैं, ये देखने में बहुत सिंपल लग रहा है। तो इसलिए किसी भी अलंकार को आप सिंपल ना समझें, उस पर रियाज मेहनत करें, हर एक अलंकार का अपना एक रोल है। तो देखिए अब हम इसको देखेंगे कि इससे हाथ में क्या तैयारी आती है और बजाने में ये कितना हमें जो है प्रभावशाली लगता है कि हमारा हाथ कितना तैयार होगा। अब हम इसको बाजे पे बजाना सीखेंगे, आइए आइए देखते हैं अब इस अलंकार को हम हारमोनियम पर कैसे बजाएंगे। जैसा कि मैंने बताया कि अलंकार देखने में तो बहुत छोटा लगता है, लेकिन कोई भी अलंकार एक दूसरे से कम नहीं होता, छोटा नहीं होता, हर एक की अपनी एक अहमियत की इमेज होती है। आइए इस अलंकार को देखते हैं। ये अलंकार देखिए अब आप, सा सा रे रे गा गा, इसके आर हो रहे मा मा पा पा धा धा नी नी सा 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 नी नी धा धा पा पा मा मा गा गा रे रे सा सा। बड़ी आसानी से बज गया, पहली सरगम जैसे बजती है सारे गा मा पा धा नी, लेकिन इसको दुगुन चौगुन में बजाना ये अपने आप में एक बहुत रियाज मांगता है। देखिए सा सा रे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी धा 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 नी नी धा धा पा पा मा मा गा गा रे रे सा 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 रे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी धा 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 नी नी धा धा पा पा मा मा गा गा रे रे सा 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 रे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी धा 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 नी नी धा धा पा पा मा मा गा गा रे रे सा सा। मैं इसे और फास्ट भी बजा सकता हूँ, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ कि ये तैयार, ये इससे क्या होगा, इससे आपकी उंगलियां और जो आपकी ये चीज जो होती है ना, ये चीज ये हाथ की ये चीज, आपको 2 मिनट आप इसे लगातार अगर इस स्पीड में बजाएंगे तो आपका हाथ टाइट हो जाएगा, तो आपको हाथ में दर्द शुरू हो जाएगा। तो आप दर्द होने के बाद घबराएं ना, 1 मिनट छोड़ दें फिर बजाना शुरू कर दें, क्योंकि ये चीज बनेगी, इसमें नसों में ताकत आएगी। हारमोनियम की जो चाबियां हैं वो उंगलियों की नसों के हिसाब से ही है, तो ये जो आपके हाथ में ताकत आएगी तो इससे आपके हाथ में जर्प और गमक पैदा होगी। जैसे अब कई लोग सिंगर गाते हैं गगरे धनी गगरे धनी गगरे धनी गगर, तो ये जो चीज है, ये जो चीजें बजानी बड़ी मुश्किल होती हैं, तो जब आप इसका अभ्यास करेंगे तो ये बहुत अच्छा आपके हाथ में एक ताकत पैदा करेगा, ताकत बनेगी। इसका चौगुन में अभ्यास करें और इसे साथ में गाएं, और जब इसको आकार में भी अभ्यास करें, जो लोग सिंगिंग करते हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है। तैयार करेगा, सिंगिंग में भी आपका गला तैयार होगा। तो आप इसी तरह अभ्यास करते रहें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बहुत अच्छा अलंकार है, इसका अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें, मेहनत करें। नमस्कार, धन्यवाद।